नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS History Point पे। आज के वीडियो में जो है हम उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप इस्तेमाल जो है प्रीलिम्स में कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं। साथ में जो है आप अपने मेन्स के आंसर में भी इसका जो है इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से जो फैक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि इससे आपका जो है जो उत्तर होगा आपका आंसर होगा और उससे बेहतर होगा और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें टोटल 16 चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं। तो पहले अध्याय में हम डिस्कस करेंगे किसको, राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त, ठीक है, यानी पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को ही डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप वेबसाइट पर आकर के जो है इसके डिटेल को देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेज का होता है वो, ठीक है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये दे रखा है कि जो वर्ष 2019-20, तो एक वित्तीय वर्ष है कौन सा, 2019-20 की बात हो रही है यहाँ पर। वर्ष 2019-20 में जो है स्थिर भाव मतलब फिक्स्ड जो प्राइस होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा कौन सा होता है, मार्केट प्राइस होता है। तो दो तरह से जो है GSDP निकाली जाती है, GSDP यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं हिंदी में है। तो स्थिर भाव पे यानी जो जो फिक्स्ड प्राइस होता है उस पे जो है GSDP की जो ग्रोथ रेट है यानी वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 3.8%। तो ये फैक्ट है, आपको नोट करना पड़ेगा। ये आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो है स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। नीचे दे दिया जाएगा 4%, 6.5%, 3.8%, 2.5%। तो वहां से आपको जो है सही उत्तर को चुनना होगा। अब देख लेते हैं प्रचलित भाव पे यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस पे कितना है, 6.5% की जो है ग्रोथ रेट रही है। हमेशा जो है स्थिर भाव से जो है ज्यादा रहेगी आपकी जो है प्रचलित भाव पे, मार्केट प्राइस पे जो है हमेशा ग्रोथ रेट ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो है इन्फ्लेशन भी ऐड होता है। फिर देखिए अगला, वर्ष 2019-20 के स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय की अगर बात कर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर भाव पे कितनी होगी, 44,618 रुपये होगी। और अगर हम बात करते हैं प्रचलित भाव पर, मार्केट प्राइस पे अगर निकालते हैं इसको हैं तो कितनी है, 65,704। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। फिर अगर बात कर लेते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि जो इनकम हुई है एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति, वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, यानी कि बात हो गई 2018-19 की तुलना में, तो कितनी वृद्धि हुई है। तो स्थिर भाव पे कितनी वृद्धि हुई है, 2.2% की ग्रोथ हुई है, और प्रचलित भाव पे कितनी हो, 4.9% की वृद्धि हुई है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दिया। चलिए, वर्ष 2019-20 में स्थायी भावों पर प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी और तृतीयक यानी टर्शरी क्षेत्रों यानी खंडों यानी क्षेत्रों की वृद्धि दर, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है। तो आपको पता ही होगा जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसको आकलित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, जो इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है उसको शामिल किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस, यानी कि आप वहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है, आपको केवल सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको शामिल किया जाता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स के वीडियो आप देखिए हमारे चैनल पर जाकर के, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई हुई है। तो अब इनकी ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो स्थायी भाव पे यानी कि फिक्स्ड प्राइस पे जो ग्रोथ रेट रही है प्राथमिक की कितनी रही है, 1.9% रही है। द्वितीयक की कितनी रही है, माइनस में गई है, -0.5%, यानी कि बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ है। फिर तृतीयक खंड की क्या है, 7.7%। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तृतीयक क्षेत्र ने, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा तेजी से जो है राज्य में बढ़ रहा है। फिर अगर बात कर लेते हैं प्रचलित भाव पे यानी कि मार्केट प्राइस पे देख लेते हैं कि क्या ग्रोथ रेट रही है। तो मार्केट प्राइस पे जो है प्राथमिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट कितनी है, 6.3% है। द्वितीयक की कितनी है, 0.6% है। और तृतीयक की कितनी है, 8.9। तो 8.9 हमेशा ध्यान रखिए, यानी कि
जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक जो है वृद्धि हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 में स्थायी भावों पर GSVA का खंडवार वितरण देख लेते हैं, यानी कि जो GSVA होता है आपका, ठीक है, वो देख लेते हैं कि किसका कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का देख लेते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, 23% का योगदान है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तो 26.8% का योगदान है। और तृतीय खंड का कितना योगदान है, 50%, ठीक है। यानी राज्य की जो ग्रॉस जो है वैल्यू होती है, ठीक है, एसेट्स में, उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान है, वो सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान यहाँ पर है। फिर प्रचलित भाव पर अगर बात कर लेते हैं कितनी है, तो प्रचलित भाव पर कितना हो गया आपका, 25.3% है एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का। फिर उद्योग का कितना है, 24.9%, यानी द्वितीय क्षेत्र का हो गया। फिर तृतीय का कितना है, 49.7%। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये राज्य है एक, और उसकी अर्थव्यवस्था व्यवस्था कुल 100 मान लेते अगर हैं, तो उसमें से जो है 23% हिस्सा किस कहाँ से आता है उस अर्थव्यवस्था में, एग्रीकल्चर से आता है। और 26% हिस्सा कहाँ से आ रहा है आपका, मान लो मोटा मोटा 26% कहाँ से आ रहा है, वो इंडस्ट्री से आ रहा है। जो बचा 50% वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका सेवा क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका है, स्थायी भाव पर था, यानी फिक्स्ड प्राइस पे निकाला जाता है। तो इतना है आपका, इसको भी फैक्ट को नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य में जो है सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा, तो आपका आंसर होगा 50% का स्थायी भाव पे, ठीक है। अगर पूछेगा कि एग्रीकल्चर या फिर प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा, तो आप बोलेंगे 23%। अगर पूछेगा द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान रहा, तो 26%। और अगर यहीं पर अगर बात करेंगे हम कि मार्केट प्राइस पे बात करेंगे, इसको निकालते हैं अगर, तो मार्केट प्राइस पे GSVA में जो है योगदान जो है आपका सबसे अधिक जो है किसका है, सेवा क्षेत्र का है, कितना है, 49.7 है। उसके बाद जो है आपका एग्रीकल्चर का है, और उसके बाद आपका किसका है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं द्वितीयक, यानी उद्योगों का। तो आपने देखा यहाँ पे उद्योग जो है काफी पिछड़े हुए हैं राज्य में, राज्य में जो है औद्योगिक गतिविधियां बहुत ही सीमित हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में GST की जो हिस्सेदारी कितनी लगभग है, 39.5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो है कितना अनुमान लगाया है गवर्नमेंट ने, उसको GST कितना प्राप्त होगा, तो कुल जितना राजस्व प्राप्त होगा उसको, उसका 39.5% कहाँ से प्राप्त होगा, GST से मिलेगा उसको, ठीक है। और जबकि VAT का अंश लगभग कितना है, 16.7% का, जो VAT है वो कितना उसे प्राप्त होता है, 16.7% प्राप्त होने का अनुमान है ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में जो है पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल में 100% ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया गया, ठीक है, यानी जितना पैसा अलॉट हुआ था वो सारा पैसा उसने यूज कर लिया, बल्कि राजस्व बजट के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिए किया जा रहा है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है, यानी कि उसका परिचायक है, प्रतीक है, ठीक है। क्योंकि राज्य अगर अपने खर्च, जितने पैसे उसको अलॉट किए गए हैं वो अगर खर्च नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे जो है वृद्धि दर जो है क्या हो रही, कम हो रही है, वो पैसे ही नहीं खर्च कर पा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाए रखा गया है। अगला फैक्ट ये दे रखा है कि राजकोषीय घाटा का GSDP से प्रतिशत वर्ष 2015-16 में कितना था, 2.63% के स्तर पर था, ठीक है। फिर जो वर्ष 2018-19 में घटकर कितना हो गया है, 2.38% के स्तर पर आ गया है,
ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो क्या हो रहा है समय के साथ कम हुआ है। तो 2018-19 की अगर बात कर लेते हैं, 2018-19 में राजकोषीय घटकर कितना हो गया है, तो 2.38% हो गया है ये। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप इकोनॉमिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे इकोनॉमिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अगले चैप्टर को देखते हैं, अध्याय 2। तो इसमें हम क्या मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे, प्रादेशिक विकास में चुनौतियां, कौन कौन सी जो है चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिए कौन कौन सी रणनीति को हम अपना रहे हैं। तो यहाँ पर टैगलाइन दे रखी है कि आत्मनिर्भरता में लाखों चुनौतियां किंतु करोड़ों समाधान, यानी कि चुनौतियां भी बहुत सारी हैं और साथ में ही बहुत सारे जो हैं समाधान भी हैं। पहला मुख्य बिंदु क्या यहाँ पे दे रखा है कि प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक सेक्टर में अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है 2024 तक जो है देश की जो है अर्थव्यवस्था को जो है 5 ट्रिलियन करने का जो है क्या है सपना देखा गया है। ठीक है, विजन हमारा है ये कि हमारी जो है 2024 में जो है अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी देश की, 5 ट्रिलियन। ठीक है, तो ऐसे में जो है यूपी स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है देश की जो है सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। तो प्रदेश में जो है लक्ष्य कितना रखा गया है कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के जो है लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या दे रखा है, 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक जो है सफलतापूर्वक किया गया। तो ये भी जो है आपको पता है कि डिफेंस एक्सपो जो होते हैं हर 2 साल बाद होते हैं, तो जो इससे पहले हुआ था 2020 में वो कहाँ हुआ था, उसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। विगत वर्षों में इन्वेस्टर्स समिट 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। अगर हमको $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को पूरा करना है तो ऐसे में क्या होगा, जो निवेशक होते हैं उनको हम क्या अपने राज्य में आकर्षित करना होगा। इसके लिए क्या किए जाते हैं, इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, साथ में क्या प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, वाराणसी में। तो ये सारे फैक्ट भी आपको पते होने चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिससे जो है देश राज्य में जो है अर्थव्यवस्था का जो है विकास हो तेजी से। फिर प्रदेश में जो साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हो रहा है, निरंतर सुधार हो रहा है। तो आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रैंकिंग निकलती है जिसमें जो है उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग में लगातार क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और प्रदेश को अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग निकलती है उसमें अचीवर्स राज्यों में की श्रेणी में इसको स्थान प्राप्त हुआ है। अगला दे रखा है फैक्ट, महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न आता है इस टाइप का कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है आपका, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई प्रश्न आता है आपका, तो वहाँ पे आप इस योजना या फिर इस मिशन को आप लिख सकते हैं वहाँ पर कि मिशन शक्ति जो है चलाया जा रहा है, किसके लिए चलाया जा रहा, महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा एवं सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु। ठीक है, तो ये आप मेंस में आप डाल सकते हैं ये फैक्ट, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में क्या होगा, सहायक होगा। फिर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का करके गठन किया गया है। तो एक नया डिपार्टमेंट का गठन किया गया है जिसका नाम क्या है, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। तो इसको भी आप डाल सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन आता है कि जल संसाधन के संरक्षण से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इसको डाल सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में कोई क्वेश्चन आता है वहां पे, तो वहां पे इसको डाल सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर करेगा कि आप उसको जो है कहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगला देखिए,
वर्ष 2019 में जो है घरेलू पर्यटकों की 87.96 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी क्या है 25.5% की क्या है वृद्धि देखी गई है। तो पर्यटन से क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। तो वहां पे आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने जो है एक नई पर्यटन नीति को भी लागू किया था, इसीलिए इससे पहले वाले जो मेंस हुए थे उसमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को भी मिला था। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इन डाटा को जरूर डालिए, ताकि आपका जो आंसर है औरों से बेहतर हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब अगला जो आपका जो अध्याय नंबर 3 है वो किससे संबंधित है, तो उसमें बताया गया है बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, यानी कि बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो यहाँ पहला मुख्य बिंदु क्या है, बैंकिंग नेटवर्क जो है मार्च 2020 तिमाही में औसतन एक आउटलेट प्रति 2.4 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 2.28 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ज्यादा शाखाएं खोली जा रही हैं, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। फिर दूसरा क्या दे रखा फैक्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में समीक्षा अवधि जून 2020 तक कुल इतना जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो मोटा मोटा अगर याद कर लेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर कोई भी किसान की योजना है तो वहां पे आप डाल सकते हैं कि 76,000 से अधिक जो है किसान का क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से चीजों को याद कर सकते हैं। अगला दे रखा है कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, यानी कि जो कृषि हो गए और साथ में जो प्राइमरी सेक्टर हो गए, इससे संबंधित जो कमजोर क्षेत्र होते हैं जिनके विकास पर ज्यादा सरकार ध्यान देती है, जिनको बोलते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बोलते हैं वो, तो कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु, जो गरीब तबके के वर्ग होते हैं SC हो गया, ST हो गया, फिर अन्य गरीब लोग हो गए, उनको जो है ऋण क्रमशः कितना कितना मिला है, जो टोटल ऋण होता है उसमें जो है 25.98% जो है एग्रीकल्चर हो गया, फिर प्राइमरी को कितना हो गया 58.34% हो गया, और कमजोर वर्ग हो गया उसको कितना मिल गया आपका 18.94% उनको दिया गया। तो ये भी आप इसको फैक्ट को लिख सकते हैं। फिर MSME व्यवसायिक इकाइयों, कृषकों, समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की क्या है घोषणा की गई। तो आपको पता ही है जो लॉकडाउन होने से जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है यहाँ के जनजीवन पर, और सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको प्रभावित किया है इसने। तो ऐसे में क्या है आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई है, ठीक है, इन छोटी छोटी इकाइयों के लिए जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। अगला क्या दरखा, प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते खोलते हुए प्रथम स्थान पर है। तो जनधन योजना जो आपको पता है चल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके तहत जो है सबसे अधिक खाते कहाँ खोले गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, ठीक है। और कितने प्रतिशत हैं, तो टोटल अगर भारत में 100% खाते खोले गए हैं मान लो अगर, तो उसका 16% लगभग अकेले किसने खोला है, उत्तर प्रदेश ने खोला है। कितना हो गया 6.63 करोड़ खाते जो हैं जनधन योजना के तहत खोले गए हैं यूपी में। चलिए और ये वाला फैक्ट आप नोट कर लीजिए, लॉकडाउन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप इस वाली योजना को जरूर इसको मेंशन करेंगे। चलिए अगला जो आपका अध्याय नंबर 4 है उसका संबंध किससे है, कृषि से, ठीक है। तो कृषि वन एवं पर्यावरण, तो यहाँ पे मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु ये देखा, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकी प्रयोग के प्रयोग को क्या करना है, बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं हो गया, धान हो गया और मक्का,
खरीद की क्या है, नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की गई है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे आता है कृषि क्षेत्र में जो है राज्य ने क्या कौन कौन से कार्य किए गए हैं, तो वहां पे आप इसको जरूर मेंशन करेंगे कि आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को क्या कर रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा क्या है, जो है नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को जो है लागू किया गया, किसके खरीद के लिए, गेहूं हो गया, धान हो गया और मक्के की खरीद के लिए, एवं अंतरराष्ट्रीय कृषि कुंभ का क्या है, सफल आयोजन किया गया। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो है अंतरराष्ट्रीय कृषि कुंभ सम्मेलन का भी क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है आप डाल सकते हैं अपने उत्तर में। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि DBT के माध्यम से सबसे पहले किसने जारी की योजना को भुगतान करने की, डायरेक्ट जो आपके अकाउंट में होता है इसको DBT को बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे यानी कि किसानों के खाते में पैसा जाएगा। तो ये स्टार्ट किया है किसने, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले देश में स्टार्ट किया। और साथ में जो है मंडी अधिनियम में जो संशोधन किया है वो भी सबसे पहले किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। तो कृषि के विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे इस चीज को मेंशन करेंगे मुख्य परीक्षा में। अगला दे रखा है वर्ष 2018-19 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष, यानी कि इतना लक्ष्य था हमारा खाद्यान्न के उत्पादन का और उत्पादन हुआ कितना है, 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का क्या है सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है, यानी कि सबसे ज्यादा। लक्ष्य तो हमारा था केवल 581.03 मीट्रिक टन था, लेकिन हमने कितना उत्पादन कर लिया, 604.15 मीट्रिक टन हमने उसको उत्पादन किया, ठीक है। तो अब तक का जो है सबसे अधिक उत्पादन रहा है ये। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुए मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए, इसके लिए क्या है 1,694 कस्टम हायरिंग केंद्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंकों की क्या है स्थापना कराकर 40,606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि सेंटर बना दिए जाएंगे, अगर आपको कोई यंत्र चाहिए तो वहां पे आप रेंट पे ले आकर के उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। तो ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको नंबर याद नहीं करने हैं, आपको बस याद करना है कि मशीनीकरण को बढ़ावा करने के लिए जो है अनुदान दिए जा रहे हैं और इसके लिए जो है कस्टम हायरिंग केंद्र खोले गए हैं, ठीक है। साथ में जो है फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है। तो आपको इस तरह से आपको अपने उत्तर में लिखना है। अगला देखा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस लखीमपुर खीरी में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। यानी कि जो है यहाँ पर अलग जो अयोध्या से संबंधित था उसका एक कैंपस खोल दिया गया, साथ में कानपुर का जो है एक कैंपस खोल दिया, कानपुर विश्वविद्यालय का एक कैंपस खोला गया है। अगला देखा प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कृषि के विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे डाल सकते हैं आप ये फैक्ट को कि जो सरकार जो है 20 नए जो है कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर रही है, जिसमें से जो है 14 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ भी हो गया। तो 20 में से 14 जो है वो क्या हो गए हैं, अपने एक्टिव भी हो गए, यानी कि काम करना उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया है। तो ये रही कृषि वन एवं पर्यावरण के। अब जो अगला अध्याय है वो आपका कौन सा है, पशुधन। तो पशुधन दुग्ध विकास एवं मत्स्य, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है 2019-20 में प्रदेश में 318.2 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, इतना उत्पादन हुआ है डेयरी प्रोडक्ट्स का, 318.2 लाख मीट्रिक टन। अगर हम बात करते हैं वृद्धि दर कितनी रही है, तो इसका मतलब क्या 2019-20 में जो है और 2018-19 में कितना अंतर आ गया है, तो
4.26% की ग्रोथ हुई है, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से जो है 2019-20 में जो है 4.26% की वृद्धि हुई है उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन कर देश में क्या है, प्रथम स्थान पर है, आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर है क्या, दुग्ध उत्पादन में, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग क्या है पांचवें हिस्से के बराबर होता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो कुल देश का यानी कि 100% वगैरह मान लेते हैं उत्पादन होता है तो पांचवा हिस्सा हो गया यानी कि 20%, यानी देश के 20% का उत्पाद दूध का उत्पादन अकेले राज्य उत्तर प्रदेश कर देता है। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु PCDF व NDDB द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया है। PCDF द्वारा विकसित एवं जांच प्रणाली को NDDB द्वारा मिल्क डे 1 जून 2018 पर इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये जो है उसमें जो रिसर्च लेवल पे काम हो रहा है उसकी बात की गई है इसमें। अगला जो फैक्ट है वो क्या है, मेरठ है, लखनऊ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है और झांसी में विटामिन ए एवं डी युक्त फोर्टिफाइड पराग दूध का विक्रय प्रारंभ किया गया है। फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफाइड वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कुछ अलग से डाल करके उसकी जो है गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर जो है दूध जो होगा पराग, तो आपको पराग तो आपको पता ही होगा, पराग एक ब्रांड का नाम है यूपी में। ठीक है, तो इस दूध में जो है विटामिन ए और विटामिन डी है, इसको मिला करके जो है उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, उसको जो है उसके बाद उसको बेचा जा रहा है। प्रदेश के 5 जनपदों में पायलट बेस पर दुग्ध पट्टी पर पशु चिकित्सा सुविधा दवाई आदि हेतु CSR कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो जो पशु चिकित्सा सुविधा है, दवाइयां हैं, इसके लिए जो है एक कॉल सेंटर को भी स्थापित किया गया है ताकि जो है राज्य में जो है तेजी से डेयरी उद्योग बढ़े आगे। प्रदेश में जो है प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है। तो इस फैक्ट को आपको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिला है, पहला महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ स्थापित किया गया है, ये शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला अध्याय। अब जो अगला अध्याय है वो क्या है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को लाया गया था। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। ठीक है, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है फल सब्जी प्रसंस्करण अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध है, बेकरी आधारित उद्योग आदि को शामिल किया गया है। यानी कि खाद एवं प्रसंस्करण उद्योग में कौन कौन से आते हैं, तो फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, यानी कि अनाज से संबंधित जो उद्योग होते हैं, साथ में दूध हो गया, बेकरी हो गई, इन सभी उद्योगों को शामिल करके वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उसको सम्मिलित किया जाता है। फिर प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, औषधीय पौध मिशन, बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो बागवानी विकास मिशन के तहत जो है, औषधीय पौध मिशन के तहत जो है, यहाँ पर जो है जो वन वगैरह है, बागवानी है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ में जो है गुणवत्ता युक्त पान का उत्पादन भी किया जा रहा है। 2020-21 में औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम हेतु 812.61 करोड़ रुपए का क्या था, बजट का प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश सरकार के कुल बजट का जो है 0.16% है। तो काफी पैसा जो है, कहने का मतलब ये खर्च कर रहे हैं। अगला दे रखा है कि प्रदेश में जो है औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों हेतु 2019-20 में जो है
589.37 करोड़ रुपए क्या किए गए, व्यय किए गए। तो फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लीजिए मोटा मोटा कि गवर्नमेंट इसके लिए जो है काफी कुछ प्रयास कर रही है और इसके लिए जो है बजट की भी व्यवस्था कर रही है, इतना आप वैसे मोटा मोटा याद कर सकते हैं। वर्ष 2017-18 में आलू है, आम है एवं अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है, देश में प्रथम स्थान रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आलू उत्पादन हो चाहे आम का उत्पादन हो चाहे अमरूद का उत्पादन हो, तीनों उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर वन है। अगला फैक्ट क्या है, देश के कुल आम उत्पादन में जो है प्रदेश का योगदान कितना है, 20.86%। यानी कि कुल आम उत्पादन का 20% लगभग जो है अकेले उत्तर प्रदेश ही कर देता है। चलिए अगला देख लेते हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती सशक्तिकरण को देख लेते हैं। तो ग्राम विकास और पंचायती सशक्तिकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि भारत जो है कहाँ बसता है, गांवों में बसता है, ठीक है। और पंचायत जो होती है निचले स्तर की जो है, निचले स्तर पे होती हैं, जमीनी स्तर पे होती हैं, तो यहाँ पर जो है इनका सशक्तिकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वो क्या क्या कार्य कर रही है इसके लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो है प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है या फिर ग्रामीण सशक्तिकरण से आता है क्वेश्चन, तो वहां पे आप डाल सकते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश का स्थान जो है देश में कौन सा है, प्रथम है। प्रदेश में जो है मनरेगा मजदूरी जो 182 प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 201 निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खंडों में इंटेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत योजना क्रियान्वित है, ठीक है। फिर अगली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सितंबर 2020 तक जो है 14.30 लाख आवासों का क्या किया गया, निर्माण कराया जा चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदेश देश में पहले स्थान पर, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाली, उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाली जाती है जो, उसमें राज्य कौन सा है, पहला स्थान पर, यानी कि मकानों को बनवाने में काफी आगे है वो। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित, यानी कि राज्य फंडेड, यानी कि राज्य इसको पूरी तरह से राज्य इसको पैसा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत क्या है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16,700 और 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों को क्या किया, लाभान्वित कराया गया है। जो ये वाली है वो प्रधानमंत्री वाली जो है, इसमें क्या है, राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी होती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें केवल जो है राज्य की भागीदारी है। अगला देखा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नोडल विभाग जो है ग्राम विकास विभाग है एवं कार्यदायी विभाग लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग योजना के कार्य संपादित कर रहे हैं, यानी इतने सारे डिपार्टमेंट मिलकर ये सब कार्य करते हैं सड़क योजना के लिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 79 पंचायत भवनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, यानी कि रिलीफ की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 54 जो है बहुउद्देशीय पंचायती भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जो है पंचायती राज के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2019-20 में ई गवर्नेंस पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है पंचायती राज के लिए जो है एक चल रहा था अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। तो इसके लिए जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है मिला है उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर आपका क्या है, औद्योगिक प्रगति। तो औद्योगिक प्रगति में क्या देख लेते हैं हम, तो औद्योगिक प्रगति की अगर बात कर लेते हैं, तो वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है गत वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। तो 2020 में जो है सेकंड रैंक पे आ गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको मेंस में भी डाल सकते हैं और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जाता है। प्रदेश के जनपदों के कारीगरों एवं हस्तशिल्पों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या है, एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018 से ही प्रारंभ की गई है। इस योजना हेतु क्या है 2019-20 में 250 करोड़ रुपए का क्या है बजट प्रावधान किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं बिंदु। वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रही है, ठीक है। इस योजना से क्या होगा, युवाओं के उद्योग में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा, यानी कि अप्रेंटिसशिप जो के टाइम पर जो है पैसा दिया जाएगा। फिर अगला क्या है, अगला दे रखा है ये अगला था उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करने होंगे, जो यानी कि जो फॉर्म होगा एक प्रपत्र मतलब फॉर्म होता है जो, ठीक है, तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि 1000 दिनों तक उसको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, ताकि क्या हुआ यहाँ पर जो है इंडस्ट्री का एमएसएमई सेक्टर का क्या हो, इससे विकास हो। तो आप कभी भी क्वेश्चन आता है अगर एमएसएमई सेक्टर से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इस योजना को जरूर मेंशन करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला देखा कि औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 लाया गया है। इस अध्यादेश में क्या है, समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की जाने का प्रावधान है। तो ये भी जो है उद्योगों के लिए जो है लाभकारी है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास की अगर बात करते हैं, कोई कभी भी क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, तो आप लगा सकते हैं कि जहाँ पे जो श्रम कानून है उनको उनसे जो है 3 साल के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में क्या है, लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसको क्या बोलेंगे युवा हब, के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देश में क्या है, कुल खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन में जो है प्रदेश का 5% का योगदान है। तो अगर हम बात करते हैं खनिज उत्पादन में जो है क्या योगदान है उत्तर प्रदेश का, तो कुल जितना खनिज उत्पादन होता है उसका 5% उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला जो आपका सेक्टर है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वर्ष 2011-12 में कितना था, 45.5% था। अब जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितना हो गया, 49.7% हो गया है। तो इससे पहले हमने वीडियो को स्टार्ट में देखा था, तो अब जो वर्तमान समय में जो है जो मार्केट प्राइस है, तो 2019-20 की अगर बात करते हैं वित्तीय वर्ष, तो वहां पे जो है सर्विस सेक्टर कितना हो गया है, 49.7% का योगदान हो गया है। फिर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 2019-20 में जो है 7.7% की क्या है वृद्धि हुई है। अगला बिंदु क्या है, स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन के व्यापार होटल एवं जलपान गृह खंड में
वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 में क्रमशः जो है 5.7% और 6.6% की वृद्धि द्वारा परिलक्षित हुई, यानी कि 2018 में जो है 5.7% की वृद्धि हुई थी और 2019-20 में कितनी हुई है 6.6% की। फिर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011-12 में वित्तीय सेवाएं खंड का योगदान प्रचलित भावों पर जो है 3.7% रहा है, ठीक है, और 2019-20 की अगर बात करते हैं तो कितना रहा है 3.4% की। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर प्रदेश में जो है मार्च 2018 में सेवा क्षेत्र में 10.47 लाख कर्मचारी जो है सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम देखेंगे अगला इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी है, कम्युनिकेशन है। तो अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे रोड वगैरह हो गई, पुल हैं, ऊर्जा हो गई, बिजली वगैरह जो होती है, और संचार यानी कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई यानी कि लाई गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से चित्रकूट में भरतपुर के निकट, ठीक है, जो चित्रकूट जिला है वहाँ पे भरतपुर जगह है, वहाँ के पास झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये कौन सी योजना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट होता है, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जगह है भरतपुर, वहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ कहाँ होके निकलेगा, झांसी है, मिर्जापुर है, ठीक है, और बाद में इटावा तक जो है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आके क्या करेगा, जोड़ देगा उसको आकर के, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फिर विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य संबंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अगला, प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में जो है राष्ट्रीय हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनके घर ग्राम तक मार्ग की मरम्मत निर्माण हेतु 2020-21 में क्या है, मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलाई जा रही है। तो मेजर ध्यानचंद जो पथ योजना है किससे संबंधित है, वो खिलाड़ियों से संबंधित है, और इसमें होगा क्या, जो उनके आवास होंगे वहां तक जो है सड़क जो है बनवा के दी जाएगी। अगला है, वर्ष 2020-21 में प्रदेश के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके घर ग्राम तक मार्ग की मरम्मत हो गई, नव निर्माण कराने के लिए 14 मार्गों के कार्यों हेतु माह अगस्त तक 10.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। जो शहीद व्यक्ति हैं उनके जो है घरों को जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाने का योजना है इसमें। अगला है, भारत सरकार के जो सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनपद जालौन है, कानपुर देहात हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज है, में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट है आपका, अगर कोई भी आता है अक्षय ऊर्जा या फिर हरित ऊर्जा से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस फैक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि भारत सरकार का जो सोलर पार्क योजना चलाई जा रही है उसके तहत जो है राज्य में जालौन है, कानपुर देहात हो गया, मिर्जापुर है, प्रयागराज, यहाँ पे 440 मेगावाट का जो है सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है प्रदेश के बलिया जनपद से किया गया था। तो जब ये योजना आई थी उस समय जो आपने देखा होगा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, बलिया से, ठीक है। तो अभी तो ये फैक्ट पुराना हो गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं अध्याय, यह अध्याय है पर्यटन एवं नागरिक विमानन से, ठीक है। तो प्रदेश में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को लागू किया गया, ठीक है।
कुंभ 2019 प्रयागराज में जो है, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं कितने लोग आए थे, और 10 लाख लगभग जो है विदेशी आए थे। कुल कितने आए थे? 2405 लाख पर्यटक आए थे घूमने के लिए कुंभ का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 में जो है घरेलू पर्यटकों की 87.96% वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की क्या है संख्या में भी 25.5% की वृद्धि देखी गई। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट करिएगा, ये आप डाल सकते हैं मेंस के एग्जाम में। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा है, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहरी स्थलों की यात्रा कराता है। तो आपको पता है हेरिटेज आर्क का है, आगरा हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया और वाराणसी हो गया, इसको जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो टहलने के लिए अच्छे हैं उनका विकास किया जा रहा है इसके इस योजना के तहत। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यानी कि पर्यटन विभाग के द्वारा जो है पर्यटकों की सुविधा के लिए जो है क्या किया गया है, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या है, पर्यटकों को 24x7 ट्रैवल असिस्टेंट्स यानी कि ट्रैवल से संबंधित सहायता प्राप्त हो सकेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है कि मथुरा हो गया, वृंदावन है, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो यानी कि जो सांस्कृतिक पर्यटन है उनका विकास किया जा रहा है, वहाँ पर नई नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, रहने की व्यवस्था की जा रही है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, ताकि जो है पर्यटन उद्योग तेजी से जो है बढ़े राज्य का। अगला अध्याय जो आपका दे रखा है वो किसका है, संबंध शिक्षा से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 क्या है नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है इन क्षेत्रों में। फिर अगला क्या दे रखा है, इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में, तो ये आया वो क्वेश्चन था, ये UPSC से पूछा गया वो क्वेश्चन है, जनपद प्रयागराज में जो है ला यूनिवर्सिटी की स्थापना क्या है प्रस्तावित है। ठीक है, गोरखपुर में क्या है आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, गोरखपुर में जो है वो आयुष विश्वविद्यालय का योजना है, वहाँ पे खोलने की योजना है, और प्रयागराज में जो है ला यूनिवर्सिटी की। जनपद मिर्जापुर हो गया, प्रतापगढ़ है, बस्ती है एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की क्या है स्थापना, तथा आजमगढ़ एवं अंबेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या है निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे जो है खोले जाएंगे, प्रस्तावित हैं, और यहाँ पे जो है निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश के जो 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के क्या करना है स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखना 18 मंडल जो हैं राज्य के, यूपी में 18 मंडल हैं, सभी मंडलों में जो है अटल आवासीय विद्यालयों की क्या की जाएगी स्थापना की जाएगी। और इन विद्यालयों में होगा क्या, कक्षा 6 से लेके 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे नवोदय स्कूल होते हैं उसी टाइप के जो हैं ये स्कूल होंगे, लगभग 6 से लेकर के 12 तक के यहाँ पे क्या है निःशुल्क है, और आवासीय यानी कि यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था होगी। इस हेतु जो गवर्नमेंट ने जो है 270 करोड़ रुपए की क्या की है व्यवस्था की है या फिर प्रस्तावित है। प्रदेश में जो है बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2,65,000 विद्यालय संचालित हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शारदा स्कूल हर दिन आए क्या है ये। ठीक है, तो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके
उनको चिन्हीकरण किया जा रहा है कि वो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, नहीं आ रहे हैं, पंजीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, नामांकन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे संबंधित है ये। चलिए अगला जो 13वां आपका चैप्टर है वो किससे संबंधित है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए और चिकित्सा की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, और कोरोना के समय तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्षेत्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, लहरतारा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और BRD मेडिकल कॉलेज गोलखपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक क्रियाशील हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको देखना है ये, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेजी से जो है कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है ऐसे संस्थान या फिर ऐसे हॉस्पिटल की आवश्यकता है जो कैंसर के इलाज में सहयोगी हों। प्रदेश में जो है 8 नए मेडिकल कॉलेज, हरदोई हो गया, एटा हो गया, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, सिद्धार्थनगर है, देवरिया है, गाजीपुर है और मिर्जापुर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे जो नए 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। फिर नए 13 मेडिकल कॉलेज कौन से, बुलंदशहर है, बिजनौर है, औरैया है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, कानपुर देहात है, ललितपुर है, गोंडा है, सुल्तानपुर है, कुशीनगर है, सोनभद्र है, कौशाम्बी है और चंदौली स्वीकृत हो चुके हैं, यानी कि इनमें भी जो है भविष्य में काम होगा। लखनऊ में क्या है, एक नए चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का क्या क्या निर्माण कराया जा रहा है, तो ध्यान रखना लखनऊ में हो रहा कार्य। ठीक है, तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है। सैटेलाइट सेंटर क्या होता है, मान लो कोई एक मेन ये मेन है, ठीक है, चाहे बस अड्डा हो या विश्वविद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, इसी से कुछ दूरी पर, यहाँ पर मान लो कुछ दूरी पर एक इसी की नई ब्रांच खोल दी जाती है, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि एक उपग्रह की तरह तो है चारों, मतलब जैसे एक उपग्रह होता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है, उसके चारों ओर रहता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जब इस टाइप के जो हैं सैटेलाइट टाउन बनाए जाते हैं, सैटेलाइट बस स्टॉप बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि इसके जो भार को क्या कर सके, ये कम कर सके, तो इसलिए जो इसको बोलते हैं सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, बलरामपुर में हो रहा है। अगला दे रखा है SGPGI में एडवांस डायबिटीज एवं एंड्रोक्राइन साइंस सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो वर्तमान में जो है डायबिटीज के बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, तो इस पर रिसर्च के लिए जो है जो यहाँ पे जो है सेंटर प्रस्तावित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है, योजना हेतु कितना है, 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, तो यूपी में जो है सभी जनपदों यानी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना लागू हो चुकी है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से जो है MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूपी की जो है कितनी जो है इस समय MMR है, तो जो लेटेस्ट डाटा हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कितना है MMR। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 30% की गिरावट आई है, ठीक है, तो 30% की अगर गिरावट आई है तो ऐसे में यूपी में कितनी MMR है वो पूछा जा सकता है। फिर प्रदेश में जो है टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत दूरस्थ गांव जो गांव हैं वहां के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कंट्रोल रूम से चिकित्सक की परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो टेली मेडिसिन में होता क्या, आपको पता ही है, जो मोबाइल यानी कि टेली मतलब मोबाइल जो होता है, टेली का मतलब दूरी होता है, जो दूर कोई स्थित चीज़ होती है उसको बोलते हैं टेली। तो अगर दूर स्थित अगर बातचीत हो रही है तो उसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। अगर दूर स्थित कोई व्यक्ति है और वो आपको दवाइयाँ बता रहा है कि आपका इलाज कैसे करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेली मेडिसिन। इसमें मोबाइल पे भी सहायता ली जा सकती है और साथ में इंटरनेट से भी सहायता ली जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला आपका जो है वेलफेयर पे है, जो समाज कल्याण, ठीक है।
तो समाज कल्याण के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? तो सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर जो है वर्ष 2020-21 में कुल चालू व्यय का तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः कितना है? 8.7% और 2.5%। ठीक है, तो चालू व्यय का 8.7% उसने खर्च किया है किस पे? समाज कल्याण पर। और जो पूंजीगत व्यय होता है यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस पर कितना? 2.5% उसने इन्वेस्ट किया है किस पे? समाज कल्याण पर। चलिए, वर्ष 2018-19 में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल व्यय, चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय के कितना है? 7.5। तो 7.5 किस पे है? चालू व्यय पे है। और 0.9% किस पे है? पूंजीगत व्यय पे है। ठीक है, तो दो तरह का आपको पता व्यय होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो चालू व्यय होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? पूंजीगत व्यय होता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। समाज में जो है सर्वधर्म समभाव, ठीक है, समाज में जो है सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। फिर अगला, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग एवं दिव्यांगजन को 2500 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। तो अगर कोई कुष्ठ रोग से व्यक्ति जो है ग्रसित है और बाद में वो अगर दिव्यांग हो जाता है तो उसको जो है 2500 रुपये जो है प्रतिमाह सहायता जो है दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ जो है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम प्रारंभ की गई है। इसको क्या बोलते हैं? मिनी ITI। ठीक है, तो कौशल विकास के पर उनके ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, अगला जो आपका दे रखा है चैप्टर वो है आपका श्रम शक्ति एवं सेवा योजना। ठीक है, तो श्रम शक्ति में देख लेते हैं हम। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में जो है 15 से 59 आयु वर्ग का प्रदेश की कुल जनसंख्या में अंश कितना है? 55.77%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, क्योंकि युवा वर्ग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए। ठीक है, तो ऐसे में देख लीजिए जो ये कौन सी आपकी जनसंख्या है? कार्यशील जनसंख्या है, जो 15 साल से लेके 59 ईयर के होते हैं उसको बोलते हैं कार्यशील पॉपुलेशन, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन। तो कितनी है ये? 55.77%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। फिर बेरोजगारों को सेवा योजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 क्या हैं? सेवा योजन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों द्वारा 2020-21 में सितंबर 2020 तक 1133 कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया गया है, जिसमें 3,42,043 प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगार परक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की क्या है? जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, फिर प्रदेश में मार्च 2019 की अवधि में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में इतने जो है कर्मचारी का है कार्यरत हैं, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रदेश में जो है मार्च 2019 में महिला कर्मचारियों की संख्या में जो है गत वर्ष की अपेक्षा जो है 0.52% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2019 के कंपेयर में। फिर उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में जो है 44,780 तथा वर्ष 2020-21 में जो है माह सितंबर यानी सितंबर माह में 2020 तक जो है 1,887 पंजीकृत महिला कर्मकारों को वित्तीय सहायता क्या की गई? उपलब्ध कराई गई है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं चलती रहती हैं, ताकि आप उसको अपने मुख्य परीक्षा में आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है लास्ट अध्याय था, आपका 16 नंबर अध्याय था। ठीक है, सतत विकास। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नीति आयोग ने जो है 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर क्या की, एक रिपोर्ट जारी की। तो जो नीति आयोग है वो इसकी रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित। समग्र सुधार में शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश क्या है, उच्चतम है। तो अगर सुधार की बात करते हैं, समग्र सुधार की बात करते हैं, तो टॉप 3 में जो है यूपी जो है क्या है वो फर्स्ट नंबर पे है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 में से सुधार कर 2019 में कितना कर लिया, 55 कर लिया। तो कभी कभी स्कोर भी पूछ लेता है, तो स्कोर भी आप याद रखिए। लक्ष्य सेवन क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में प्रदेश की छलांग जो है 40 अंकों की रही। तो सबसे ज़्यादा सुधार जो हुआ है किसमें हुआ है, जो क्लीन एनर्जी है, ठीक है, सस्ती हो और स्वच्छ ऊर्जा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है अंक इसने प्राप्त किए हैं। और ये किससे संबंधित है, लक्ष्य सेवन। तो कभी कभी लक्ष्य पूछ लेता है कि लक्ष्य सेवन का संबंध किससे है, क्योंकि इसमें जो है यूपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो लक्ष्य सेवन का संबंध किससे है, सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा। प्रत्येक लक्ष्य के लिए क्या है, एक नोडल विभाग क्या है, नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका में है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है 17 में से 16 लक्ष्यों को क्या किया, शामिल किया गया है। टोटल आपको पता है कि 17 लक्ष्य होते हैं, ठीक है, उसमें से 16 लक्ष्य इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि जो एक लक्ष्य है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का है, इसलिए जो है 16 लक्ष्य जो है शामिल किए गए। जबकि वर्ष 2018 में कितने लक्ष्य थे, 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था। तो अगर अब पूछा जाए कि वर्तमान में जो है कितने लक्ष्य शामिल हैं, तो हमें पता होना चाहिए 16 लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया है। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी करने का जो उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आकलन करना है, ठीक है। नीति आयोग क्यों रिपोर्ट जारी करती, कोई भी रिपोर्ट तब जारी क्यों जारी की जाती है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है, वो प्रदर्शन अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। जैसे आपकी मार्कशीट होती थी, आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, यही तो है, ठीक है। तो ऐसे ही रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका उद्देश्य यही है। राज्यों के मध्य विकास में जो है प्रतिस्पर्धा पर परस्पर सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सतत विकास, ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जानकारी दे रखी है, तो वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।